पुलवामा की दुखद घटना के बाद शहीद हुए जवानों के बारे में पता चलने के बाद पूरे बिहार में लोगों के बीच आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम दलों ने इस पर अपना दुख जताया। सभी पार्टियों ने एक आवाज में इसकी निंदा करने के साथ शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पटना के हर चौक चौराहों पर बहुत संख्या में छात्र और आम लोग हाथ में बैनर और तख्ती लिए पड़ोसी देश मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। बिहार विधानसभा में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायकों ने एक मिनट का मौन रखा और उसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि पूरा बिहार एकजुटता से राष्ट्रीय भावना के साथ है। उन्होंने सभी शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि दुश्मनों को किसी हाल में बख्शना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार और सेना कार्रवाई करने में सक्षम है। पुलवामा घटना पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना से पूरा देश स्तब्ध है। शहीदों के परिजनों के लिए सीएम ने दुआएं की और कहा कि ईश्वर उन्हें इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।